गणपति बप्पा के कई ऐसे चमत्कार जिसे देखने के बाद आपका सर घूम जाएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हो जिसमें गणपति बप्पा रोते हुए नजर आ रहे हैं और जिसने वीडियो रिकॉर्ड किए उसका कहना है कि वहाँ पर ऐसी और भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा। यही नहीं, ऐसा और भी काफी बार गणपति जी हमें खुशी से रोते हुए दिखाई दिए, जैसे कि इस वीडियो में गणपति बप्पा एक चम्मच से दूध पीते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वाकई में एक सोचने वाली बात है क्योंकि एक आइडल कैसे इंसानों की तरह नॉर्मल तरीके से दूध पी सकता है। बट सितंबर 1995 में इससे भी चौंकाने वाली बात सामने आई थी जब लाखों भक्त गणपति बप्पा को दूध पिलाने के लिए एक मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। कहानी यह थी कि रात के करीब 2 बजे मंदिर के मुख्य पंडित का दरवाजा कोई बहुत जोर जोर से खटखटाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि गणपति बप्पा दूध पी रहे हैं, जल्दी से गेट खोलिए। तभी पंडित जी कहते हैं कि मंदिर तो बंद है, आपको कैसे पता कि गणपति बप्पा दूध पी रहे हैं। तब वो शख्स कहता है कि आप एक कटोरे में दूध लेके आ जाएं और मंदिर का गेट खोल के खुद ही देख लीजिए। और जैसे ही पंडित जी मंदिर पहुंच के गणपति जी के सामने चम्मच भर दूध लगाते हैं तो मानो जैसे कोई इंसान दूध पीता है वैसे ही गणपति बप्पा भी दूध पीने लगते हैं और फिर देखते ही देखते सारा कटोरी खत्म कर देते हैं। और ये बात इसी तरह पूरे शहर भर में पहुंच जाती है जिसके कारण अगले ही दिन सुबह सुबह लाखों लोग बप्पा को कटोरी भर दूध पिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। एक और बप्पा के चमत्कार की कहानी आती है पुणे के मोस्ट फेमस श्रीमद दगड़ूसेठ हलवाई गणपति जी के मंदिर से, जहां बप्पा के कई भक्त रोज की तरह उनकी आरती करते हैं और आरती के दौरान उनको एक अनयूजुअल सी खुशबू आने लगती है जो काफी सुगंध भरी होती है। अब इसे सूंघने के बाद पहले तो लोगों को लगता है कि वो बप्पा पर चढ़ाए हुए फूलों से आ रही होगी, लेकिन वो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है जो किसी भी फूलों से नहीं आ सकती। और जैसे जैसे आरती आगे बढ़ रही थी वो सुगंध और ज्यादा बढ़ती जा रही थी जिसकी खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई। और जब मंदिर के मुख्य पंडित जी से ये बात पूछी गई तो वो कहते हैं कि ये खुशबू साक्षात गणपति जी की मूर्ति से आती है, जो एक प्रकार का साइन है गणपति बप्पा के प्रेजेंस होने का, जो अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना। पहले ऐसा ही और भी कई बार गणपति जी ने काफी सारे चमत्कार किए और शायद आपके साथ भी आपकी लाइफ में कभी न कभी कोई चमत्कार तो जरूर हुआ होगा। तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। गणपति बप्पा मोरिया।